जय हिंद। आप सब की तरफ से बहुत से कैंडिडेट का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि जो AWS की कैंडिडेट हैं उनको एज के साथ साथ क्या हाइट और चेस्ट में भी छूट मिलेगी, क्या उनको अलग से जो 80 नंबर का, जैसे कि आपको पता है पेपर है, क्वेश्चन तो 100 आएंगे पेपर में लेकिन एक क्वेश्चन जो है एक नंबर का न होकर 0.80 का होगा, यानी कि टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत से कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि क्या AWS के कैंडिडेट को एज में छूट मिलेगी, हाइट में छूट मिलेगी और चेस्ट में छूट मिलेगी, इसके अलावा जो बाकी के 20 नंबर हैं क्या उनमें भी AWS के कैंडिडेट को कोई फ़ायदा है या फिर नहीं। तो चलिए आज हम, मैं खुद अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा बल्कि हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है HSC की तरफ से जो नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है HSC.government.in पर, उसको मैं आपको आपके सामने दिखाऊंगा और उसके हिसाब से हर एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा। बहुत से कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर हैं जो बता रहे हैं कि AWS के कैंडिडेट को हाइट में और चेस्ट में छूट नहीं मिलेगी, तो आपको कहीं पर भी किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता। आप बस इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो इस वीडियो को जो पूरा देखेंगे और हर एक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हरियाणा पुलिस का नोटिस, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 4/2020, क्लियर। डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि ये नोटिफिकेशन पब्लिश कब किया गया था, ये किया गया था 30 दिसंबर 2020 को। जो ओपनिंग डेट है वो कब है फॉर्म की, यानी कि फॉर्म स्टार्ट कब होंगे, ये होंगे 11 जनवरी 2021 को। और लास्ट डेट कब है फीस की, वो है 10 फरवरी 2021। ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने की जो डेट है लास्ट वो है 10 फरवरी, लेकिन अगर आप किसी कारणवश 10 तारीख को फीस नहीं काट पाए, आपकी फ़ीस नहीं कटी है, तो उसके लिए आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि आप 13 तारीख तक, यानी कि 13 फरवरी तक 2021 तक आप अपनी जो फीस है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। यह है इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर यह बताया गया है कि कितनी पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, 7298 पोस्ट है यहाँ पे। उसके अलावा है प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके जो कुछ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लोग इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हों। एक बात आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट हैं जो CSE वाले के पास, फॉर्म भरने वाले के पास जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं, चाहे वो फॉर्म भरने वाला उसमें कोई गलती करे या ना करे, आप ध्यान नहीं देते हैं। मैं आप सबको सिर्फ एक राय देना चाहूँगा कि अगर हो सके तो प्लीज़ अपना फॉर्म खुद अप्लाई करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग फीस नहीं काट सकते ऑनलाइन, कुछ कैंडिडेट हैं जो फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे लेकिन उनको फीस काटने में दिक्कत आती है, तो आप ऑनलाइन फीस न काटकर आप ऑफलाइन चलान भी डाउनलोड कर सकते हैं SBI बैंक में या फिर किसी अदर बैंक में जिसका भी चलान मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त पता चल जाएगा कि किस बैंक में चलान कटवाना है, तो वहाँ से आप ऑफलाइन भी बैंक में जाकर चलान कटा सकते हैं। चलान कटाने में आपका कोई भी जो है कुछ ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं है, बस आप अपने साइट से चलान डाउनलोड कीजिए, बैंक में जाइए, जितनी फीस है वो फीस दे दीजिए और जो चलान आप डाउनलोड करेंगे साइट से, HSC के साइट से, वो चलान आप पकड़ा दीजिए, बैंक वाला बस सीधा आपको वो जो आपका चलान है वो ले लेगा, पैसे ले लेगा और बस एक रसीद जो कैंडिडेट कॉपी होती है वो आपको दे देगा, बस बात ख़त्म, ठीक है। तो आप अगर हो सके तो अपना फॉर्म खुद अप्लाई कीजिएगा। अगर फिर भी आप अपना फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं खुद से, आप CSE सेंटर वाले के पास जाते हैं, तो उसके पास बैठकर अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जो आपकी डिटेल है वो फिल कर रहा है, उसको हर एक जो डिटेल है उसको ध्यान से चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, जो इसमें दिया गया है डिटेल वो है पोस्ट के लिए, यानी कि कितने पोस्ट दी गई हैं। तो 5500 पोस्ट हैं मेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा AWS की पोस्ट कितनी है, 550 पोस्ट हैं, जबकि जनरल के 980 पोस्ट हैं।
उसके अलावा 1100 फीमेल के जो पोस्ट है उसमें EWS की 110 और जनरल की 396, जबकि जो दुर्गा शक्ति के 698 पोस्ट है फीमेल की उसमें EWS की 70, जनरल की 252, और जो अदर कैटेगरी हैं उनकी जो आप ये पोस्ट हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लस टू पास होना अनिवार्य है और 10वीं में आपका हिंदी या संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके जी, अब जो सबसे मेन क्वेश्चन था वो है हाइट का और चेस्ट का। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मेल के लिए लिखा है कि 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, बस बात ख़त्म, आपकी क्वेरी ख़त्म। कैसे, यहाँ पर लिखा कि सिर्फ जनरल कैटेगरी की कितनी हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। थोड़ा नीचे देखिए, अपनी नज़र को थोड़ा नीचे लाइए और देखिए, 168 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरीज एज पर लेटेस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। हो गई क्लियर आपका डाउट, यहाँ पर क्या लिखा है कि 168 सेंटीमीटर हाइट किन कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट की होगी जो कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो फिलहाल नोटिफिकेशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो रिजर्व कैटेगरी EWS रिजर्व कैटेगरी है या नहीं, ये तो आप समझते हैं ना, क्योंकि EWS को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है इसीलिए इतनी छूट दी गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए लिखा है कि हाइट 170 सेंटीमीटर होगी। तो आपको जो है कोई भी अन्य किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, हाइट में छूट आपको मिलेगी, 2 सेंटीमीटर की छूट आपको EWS कैंडिडेट को मिलेगी। हो गई बात ख़त्म। उसके बाद बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट देखिए 83 सेंटीमीटर है, कितने बिना फुलाए, ठीक है, और 87 सेंटीमीटर है फुलाने के बाद, यानी कि आपको 4 सेंटीमीटर कम से कम, ज़्यादा फुला सकते हैं तो फुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेंटीमीटर से कम नहीं फूलने चाहिए, और 4 सेंटीमीटर आराम से फुला दोगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है, ये तो हो गई किसकी, जनरल कैटेगरी की, मेल कैंडिडेट के लिए। देख सकते हैं मेल है, मेल के सामने देखिए, बिल्कुल सामने ये जो कॉलम है इसमें किसके लिखी है, सिर्फ जनरल कैटेगरी की लिखी है। अब नीचे आइएगा, देखिए जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें हाइट 168 सेंटीमीटर लिखी है मेल कैंडिडेट की, EWS की या फिर अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी, उनके सामने लिखा है कि 81 सेंटीमीटर, यानी कि 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपकी चेस्ट होने चाहिए और 4 सेंटीमीटर आपको फुलानी पड़ेगी, यानी कि 85 सेंटीमीटर आपकी फुलाने के बाद जो हो छाती होनी चाहिए, यानी कि हाइट में भी आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है रिजर्व कैटेगरी को, EWS या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी को, और 2 सेंटीमीटर आपको चेस्ट में भी छूट मिलती है। ठीक है, हाइट का और चेस्ट का मेरे ख्याल से आपको जो डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद फीमेल की बात करें तो चेस्ट के लिए आपको कोई भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चेस्ट के लिए भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो 158 सेंटीमीटर है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा कि 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की ही हाइट जो है 158 सेंटीमीटर मांगी गई है फीमेल कैंडिडेट की। उसके अलावा नीचे आप लोग देख सकते हैं कि 156 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरीज एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है आपको, ये 4 कितना है, ये है 4/2020। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट की भी कितनी है यहाँ पर हाइट, यहाँ पर भी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है। जनरल कैटेगरी के लिए फीमेल की हाइट 158 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 2 सेंटीमीटर की छूट मिल गई है, EWS या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी को 156 सेंटीमीटर मांगी गई है। ओके, बात ख़त्म, डाउट क्लियर। ओके, अब बात करें एज की, तो एज जो हो 18 से 25 साल, यानी कि कम से कम आपको 18 वर्ष का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 वर्ष का होना चाहिए, 25 वर्ष का सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। क्लियर, यहाँ पर जो आपकी एज है वो किस तारीख से कैलकुलेट की जाएगी, तो देखिएगा कि 1/12/2020 को, यानी कि 1 दिसंबर 2020 को आप या तो 18 साल के हों, 18 साल से नीचे नहीं होने चाहिए, और 1 दिसंबर 2020 को आप 25 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपको लोग ध्यान दीजिएगा, अपनी एज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये सिर्फ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है 18 से 25 साल, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको कितनी छूट मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिएगा एक्स सर्विसमैन के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ये अलग अलग पॉलिसी जो है वो दी गई है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो देखिएगा कि जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं कि फीस की, कि यहाँ पर फीस कितनी होगी।
जनरल कैटेगरी की जो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी मेल कैंडिडेट की 100 रुपये होगी, किसकी, जनरल कैटेगरी वालों की, और जो हरियाणा से अलग राज्य के हैं उनकी भी 100 रुपये फीस होगी, चाहे वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हों। ओके, उसके बाद बात करेंगे कि फीमेल ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा की फीमेल हैं जनरल कैटेगरी की उनकी फीस कितनी होगी, 50 रुपये होगी। इसके अलावा एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर देखिएगा कि एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, यानी कि केवल हरियाणा स्टेट की जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस की, उनकी मेल की फीस कितनी है, 25 रुपये है, और फीमेल की कितनी है, 13 रुपये है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की फीस कितनी लगेगी फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये मेल की, फीमेल की कितनी लगेगी, यहाँ पर लगेगी सिर्फ 13 रुपये। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है हरियाणा के, उनका कोई भी चार्ज नहीं होगा फीस में। आगे बात समझ में, फीस का भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कितनी फीस आपकी लगेगी जनरल की और जो अदर जो कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस की उनकी। ओके जी, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो एक बात और आपको बता देता हूँ कि जो मेल कांस्टेबल हैं और फीमेल कांस्टेबल का फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया था, जो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर था 6/2019 है, उनको दोबारा से कोई भी जो है फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे कि उसमें एज मेंशन की गई थी कि 1 दिसंबर 2020 को आपकी एज होनी चाहिए, अगर आपने पहले वाला फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो अगर आप ओवरेज हो गए हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपने पहले वाला फॉर्म फिल किया हुआ है तो, ना ही आपका कोई अलग से जो हो फीस लगेगी। क्लियर, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं ये या लिख रखा है कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू गिव वन टाइम रिडक्शन इन फीस एंड एज टू द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2019 इशूड बाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बात समझ में आ गई जी कि पहले वाले कैंडिडेट, गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि जिन भी कैंडिडेट ने पहले वाला फॉर्म अप्लाई किया है उनको नंबर एक तो फीस में छूट मिलेगी, कोई फीस नहीं लगेगी, दूसरा उनको एज में छूट मिलेगी, यानी कि अगर आप ओवरेज हो गए हैं इस भर्ती के हिसाब से लेकिन पहले वाले भर्ती का फॉर्म आपने अप्लाई किया था तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म अप्लाई होगा, आप जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर था वो लेकर जाइएगा और अपना फॉर्म भर दीजिएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगली बात करते हैं कि एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और टाइम कितना होगा आपको, यहाँ पर दो आप लोग देख सकते हैं कि 90 मिनट का जो टाइम है टोटल टाइम, और एक क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का होगा। सबसे बड़ी बात, आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाइल ईच करेक्ट आंसर विल बी गेट कितना, 0.8 मार्क्स, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप तुक्के मारते हैं और तुक्का आपका गलत हो जाता है, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप जी भर के तुक्के मारिएगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। और एक बात कि पेपर सिर्फ हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, तो यहाँ पर लोग देखिए कि द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी बाइलिंगुअल, यानी कि बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, यानी कि आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही आएगी, कहीं आप ये सोच लो कि यार इंग्लिश तो नहीं आई हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में होगी और बाकी के सब्जेक्ट आपके बाइलिंगुअल होंगे। मेरे ख्याल से ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप लोग नीचे देखिएगा कि जो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वो है जीके जीएस करंट अफेयर जनरल रीजनिंग मैथ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री या फिर जितने भी टॉपिक हैं वो सब आएंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे देखिएगा कि देयर शैल बी एट लीस्ट 10 क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कम से कम कितना बोला कि एट लीस्ट 10, यानी कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, फालतू आ जाएँ पता नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा अच्छा है भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है, धोखा भी कर देगी आपके साथ, यहाँ पर 10 बोला है तो 5 भी दे दे 10 भी दे दे, कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 5 से 10 के बीच में तो क्वेश्चन पक्का आएंगे, ये लिख के ले लीजिएगा। ठीक है, हो गए क्लियर, ये थे आपके सब्जेक्ट की बात। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे कि जो पीएसटी है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और फिजिकल में आपकी क्या क्या जो है क्राइटेरिया होगा। तो देखिएगा कैंडिडेट जितने भी एग्जाम को पास करते हैं कैंडिडेट, उनके 7 गुना यानी कि जितनी वैकेंसी हैं उनका आप 7 गुना कर दीजिए, उतने कैंडिडेट को जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर,
अच्छा फिजिकल में क्या क्या होगा ये भी देखिएगा, जो मेल कैंडिडेट हैं, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर फिजिकल में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। हाँ फिजिकल मेजरमेंट में छूट दी जाएगी, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, चेस्ट हो गई, उसमें छूट मिलेगी आपको पक्का, लेकिन फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आपको कुछ भी छूट नहीं मिलेगी। रेस है 2.5 किलोमीटर, सबको 2.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, मेल कैंडिडेट को कितने मिनट में, 12 मिनट में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 2.5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 12 मिनट में मेल कैंडिडेट को। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो सभी फीमेल कैंडिडेट की, चाहे वो जनरल हो या फिर रिजर्व कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यू से हो, सभी को 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट में। जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी भाई साहब दौड़ना पड़ेगा 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 5 मिनट में। ओके जी, ये थी आपकी कुछ फिजिकल फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपकी हाइट जनरल की क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, वो हमने आपको समझा दिया है। अगला देखते हैं इसमें कुछ है। अब एक क्वेश्चन और था कि जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जैसे कि पेपर तो आपका कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा, जो अलग से 20 नंबर मिलेंगे वो किस किस को मिलेंगे। कुछ कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि अगर हमने ईडब्ल्यू से फॉर्म अप्लाई कर दिया तो हमें जो एक्स्ट्रा 20 नंबर है वो नहीं मिलेंगे। तो भाई साहब आपको बता दूं कि ये जो 20 नंबर है ना, ये सभी के लिए हैं, सब के लिए, चाहे वो जनरल हो चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ये 20 नंबर सबको मिलेंगे। और किस किस को मिलेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है 10 अलग से 20 नंबर के लिए, चलिए वो भी समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टेबल के लिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके पास प्लस टू बेस पे, तो देखो फॉर्म अप्लाई होना चाहिए, मतलब आपकी फॉर्म फिल करने के लिए प्लस टू पास होने चाहिए आप। अगर उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, केवल यूनिवर्सिटी जो है वो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की बी ए बी एस सी बी कॉम बी टेक, इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। हो गई बात, एनसीसी के आपको कितने नंबर मिलेंगे, एनसीसी के मिलेंगे आपको 3 नंबर। अगर आपके पास ए है उसके उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, बी के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और सी के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर ये होगा, 4 नंबर ग्रेजुएशन, 3 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन 7, और 3 एनसीसी के 10 नंबर। अब इन 10 में से आपको कितने मिलते हैं वो आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे जी, और जो 10 नंबर हैं ये तो हो गई, 80 में से 20 नंबर जो थे 10 की बात हो गई। अब 10 की बात और करते हैं, 10 नंबर किसको मिलेंगे। 5 नंबर तो उसको मिलेंगे अगर किसी के भी परिवार का कोई भी, उसका भाई बहन, चाचा ताऊ, चाचा ताई ताती, कुछ भी, मतलब सॉरी ताई ताती नहीं, आपके मतलब परिवार में से कोई भी जो है, जो आपका राशन कार्ड देख लीजिए, आपके राशन कार्ड में कौन कौन है, और उस राशन कार्ड में किसमें, राशन कार्ड में कोई भी जो है आपका सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी में नौकरी में नहीं है आपके परिवार में से कोई भी, ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ भाई बहन नहीं, सिर्फ माता पिता नहीं, अगर आपके राशन कार्ड में और कोई भी है तो सरकारी नौकरी में तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपके परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर मिलेंगे। ये हो गए 5 नंबर की बात। अलग से 5 नंबर किसको मिलेंगे, 5 नंबर अगर किसी का पिता नहीं है, अगर किसी का पिता 42 साल की एज से पहले गुजर गया है, या फिर उसका पिता जब गुजरा था तो जो बच्चा था वो 15 साल से कम था, तो उसको भी 5 नंबर मिलेंगे। अगले से 5 नंबर कुछ शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास, उनके लिए दिए गए हैं। ठीक है जी, ये हो गई बात 5 नंबर की। उसके अलावा 8 नंबर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी आपको नंबर मिलेंगे हर 1 साल, यानी कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको 0.5 नंबर मिलेंगे। देख सकते हैं कि 0.5 मार्क फॉर ईच ईयर और पार्ट, यानी कि 1 साल के लिए, हर साल के लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। हो गई जी बात, ये थी बात है नंबर की। एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करें तो देखिएगा, एग्जाम आपका 2 दिनों में होगा, एक तो होगा 27 मार्च और दूसरा 28 मार्च को। पेपर जो हो, यहाँ पर लिखा हुआ कि पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर पेपर ओमआर बेस्ड यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों आपकी चांसेज हैं, लेकिन जो 99% जो चांस है वो ऑफलाइन पेपर के ही हैं। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो डेट है ये केवल टेंटेटिव डेट है, पक्का नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी 99% आप किसको पक्का कह सकते हैं डेट को कि पेपर कन्फर्म है, होगा। उसके अलावा ये कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहें तो।
ठीक है, ये कुछ टैक्स सर्विसमैन के लिए हैं। सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब आप, या जो आप डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड करोगे वो चेक किए जाएंगे और वो पक्के होने चाहिए, मतलब वो किसी भी जो डॉक्यूमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा उसी टाइम पे। ये था पूरा नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस का। ठीक है, तो उम्मीद है आपका हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, आपका हरियाणा पुलिस की भर्ती से कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, चाहे वो पेपर का हो, चाहे वो फिजिकल का हो, चाहे वो हाइट टेस्ट का हो, चाहे वो एज का हो, चाहे वो पेपर के पैटर्न का हो, चाहे वो एग्जाम डेट का हो, हर एक सवाल मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा ऐसी भी और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।